Hey guys, welcome back to my channel. Hope you guys are doing really well today. So guys, in today's video, I'm going to review this particular face wash by the brand Mamaearth. This is their apple cider vinegar face wash. हाँ ये कुछ नाम है इसका, इतना बड़ा सा नाम है. हाँ sorry. Hey guys, welcome back to my channel. Hope you guys are doing really well today. So guys, in today's video, I am going to review this particular face wash by the brand Mamaearth. This is their oil-free face wash, and this has got apple cider vinegar in it and salicylic acid. So guys, पहली बात तो Mamaearth as a brand, सबको पता ये क्या है, काफी controversial brand है, काफी लोगों को पसंद है, काफी लोगों को नहीं पसंद, काफी लोगों को इनकी प्रमोशन करने की स्ट्रैटेजी पसंद नहीं है, काफी लोगों को इनके प्रोडक्ट्स पसंद नहीं है, लेकिन काफी लोगों को पसंद है. तो मैं उनमें से आती हूँ जिनको इनके प्रोडक्ट्स पसंद है. मैं उनमें से भी आती हूँ जिसको Mamaearth कुछ भी स्पॉन्सर नहीं करता है. मैंने खुद से खरीदा हुआ है, मैं पहले ही आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ. जितनी भी मैंने आज तक Mamaearth की वीडियो शेयर की है ना, मैंने कुछ भी उन्होंने मुझे नहीं भेजा है, ना ही उन्होंने मुझे कुछ पैसे दिए हैं. ये सब मेरा अपना ऑनेस्ट ओपिनियन रहता है, ठीक है. आज मैं बिना मेकअप के बैठी एक लिपस्टिक लगा रखी है क्योंकि वीडियो करनी थी ना, थोड़ा सा प्रेजेंटेबल लग जाता है. सो आई थॉट मैं आपको इसका डेमो भी करके दिखा दूंगी. ये फेस वॉश मुझे क्यों पसंद है और क्यों नहीं पसंद है, दोनों के रीजन आपके साथ शेयर कर दूंगी मैं, ठीक है. तो फर्स्टली ये ऑयल फ्री फेस वॉश है, सो विच इज क्लियरली फॉर एक्ने प्रोन स्किन. अगर आपकी स्किन पे एक्ने या पिंपल वगैरह की अगर आपको कंप्लेंट रहती है तो आपको इस फेस वॉश को ट्राई करना चाहिए. क्यों ट्राई करना चाहिए, ऐसे ही नहीं ट्राई करना चाहिए, क्योंकि इसमें एप्पल साइडर विनेगर है और सैलिसिलिक एसिड है. सैलिसिलिक एसिड क्या करता है, हमारी स्किन के पोर्स को ना डीपली क्लीन करता है, ठीक है. काफी सारे सीरम्स वगैरह भी आते हैं विच हैज सैलिसिलिक एसिड. काफी माइल्ड यू नो एक्टिव है ये, काफी माइल्ड इंग्रेडिएंट है, बट आपकी स्किन के पोर्स को बहुत अच्छे से क्लीन करता है. सेम गोज विद एप्पल साइडर विनेगर, वो भी आपकी स्किन को काफी अच्छे से क्लीन करता है. बट ये दोनों चीजें आपकी स्किन को थोड़ा सा ड्राई करती हैं. सो इनकेस यू हैव लाइक वेरी ड्राई स्किन, तो आप इसको थोड़ा सा केयरफुली यूज करना, क्योंकि ड्राई स्किन में ना अक्सर एक्ने प्रोन तो होती ही है, कई बार होती है, और आजकल एक्ने पिंपल हो जाते हैं बिकॉज हम लोग मास्क वगैरह पहनते हैं और समर्स में अक्सर हो जाते हैं, ठीक है. सो अगर आपकी स्किन थोड़ी ड्राई है तो आप इसको थोड़ा केयरफुली यूज करना, और अगर आप इसे यूज कर रहे हो तो अच्छे से अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करना, ठीक है. उसके बाद एज यू गाइस नो Mamaearth एज अ ब्रांड पैराबेन एंड SLS फ्री है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है और सारी स्किन टाइप्स को सूट करेगा. एज आई सेड ये प्रोडक्ट सारी स्किन टाइप्स को सूट करेगा, बट अगर इफ यू हैव लाइक एक्सट्रीमली ड्राई स्किन इवन ड्यूरिंग समर, सो थोड़ा सा केयरफुली यूज करना क्योंकि आपकी स्किन को थोड़ा सा और ड्राई कर सकता है, ठीक है. बाकी इतना कोई प्रॉब्लम नहीं देगा. 100 ml प्रोडक्ट है और इसका प्राइस है 249 rupees. शेल्फ लाइफ है 2 ईयर्स की, लेकिन Mamaearth की वेबसाइट वगैरह पे आपको पता है 10-20% डिस्काउंट चलता रहता है, तो आपको 200 तक का मिल जाएगा ये. और प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड है Mamaearth, चलो ये सब तो सबको पता ही होता है. ये फेस वॉश क्या करता है, आपकी स्किन से एक्सेस ऑयल को रिमूव करता है, डर्ट और ग्राइंड को रिमूव करता है, एक हेल्थी सी ग्लो देता है. अब ये फेस वॉश मुझे पसंद है कि नहीं पसंद है, मैं आपको एक चीज बता देती हूँ. मुझे फेस वॉश वैसे तो पसंद है, इसके साथ मुझे ना एक प्रॉब्लम है, ये मेरी स्किन पे ना चिपक जाता है. अब आपको लगेगा कि ये क्या बोल रही है, जब मैं अभी इसका डेमो करके दिखाऊंगी ना तो आपको मतलब पता चलेगा कि मैं क्या कह रही हूँ, कि फेस वॉश जो है ना अच्छे से स्किन को क्लीन कर देता है, बट जब हम क्लीन कर रहे होते हैं ना तो उतना लैदर नहीं करता है ये फेस वॉश जितना नॉर्मल फेस क्लेंजर्स करते हैं. चलो उससे भी कुछ नहीं, लेकिन कभी कभी ना चिपक जाता है, तो आपको थोड़ा ना ज्यादा पानी वानी मार के और ज्यादा अच्छे से मसाज करके उसको निकालना पड़ता है. जैसे ये पिंपल एक्ने उस तरफ ना चिपक सा जाता है मुझे ऐसा लगता है, और ज्यादा अच्छे से ना फोम नहीं होता, ठीक है, इतने अच्छे से लैदर नहीं होता और चिपक जाता है. ऑल इन ऑल वैसे अच्छा फेस वॉश है अगर आपको डबल क्लेंजिंग के लिए यूज करना है, यानी अगर आपने हैवी मेकअप किया है और अगर आप कोई अच्छा फेस वॉश ढूंढ रहे हो जो डबल क्लेंजिंग के लिए यूज करते हो, तो मैं इसको तब रेकमेंड नहीं करूंगी क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेकअप रेसिड्यू ये नहीं हटा पाता, मैंने जितना ट्राई किया है. बट अगर आपने नॉर्मल हल्का फुल्का मेकअप किया है, जैसे ऑफिस वेयर मेकअप हम करते हैं, या फिर यू नो सिर्फ सनस्क्रीन और मॉइस्चराइजर वगैरह, सीसी क्रीम बीबी क्रीम वगैरह लगाया है, तो उससे निकल जाता है. बट स्टिल मैं रेकमेंड करती हूँ हर एक को डबल क्लेंजिंग करने के लिए. अगर आपको ऑयल बेस्ड क्लेंजर से नहीं करना है, माइसलर वाटर से नहीं करना है, तो आप क्लेंजिंग मिल से ही डबल क्लेंजिंग कर लो, बट ऑलवेज मेक श्योर दैट यू डबल क्लेंज योर फेस, ठीक है. तो डेली यूज के लिए अच्छा, दिन में एक बार इसे यूज कर सकते हो. इफ यू हैव लाइक वेरी ऑयली एंड एक्ने प्रोन स्किन, तो आप दिन में मॉर्निंग में एंड इवनिंग में दोनों टाइम इसको यूज करो, बट ज्यादा यूज मत करो, बिकॉज ये दोनों इंग्रेडिएंट ही ऐसे हैं, सैलिसिलिक एसिड एंड एप्पल साइडर विनेगर, जो आपकी स्किन को थोड़ा सा एक्स्ट्रा ड्राई आउट करते हैं, ठीक है.
तो ज़्यादा भी ड्राई करना अपनी स्किन को ठीक नहीं होता है, क्योंकि जितना आप ड्राई करोगे अपनी स्किन को उतना ही और सीबम प्रोड्यूस होगा, उतना ही ऑयल और प्रोड्यूस करेगी आपकी स्किन. सो दिन में दो बार काफ़ी है, मॉर्निंग में एंड इवनिंग में. अब हाँ जी, सॉरी गाइस, थोड़ा सा वीडियो में कट लगेगा क्योंकि ना मेरा बेटा उठ गया था अंदर और मुझे एकदम उसके रोने की आवाज़ आई एंड मैं एकदम भाग के गई. ठीक है, तो मैं कह रही थी कि दिन में दो बार काफ़ी है, मॉर्निंग में एंड इवनिंग में. तो चलो जी, इसका डेमो कर देते हैं एंड फिर मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्या कह रही थी कि ये फेस वॉश चिपक जाता है. ठीक है, तो नॉर्मल पानी से अच्छे से ड्रेंच कर लो. ठीक है, मैं 60 सेकंड के लिए मसाज करती हूँ. ट्रांसपेरेंट वाइट टेक्सचर है इसका, ट्रांसपेरेंट है एकदम फेस वॉश, जैसे नॉर्मल एलोवेरा जेल होते हैं ना, ट्रांसपेरेंट है. इस तरह से मसाज करो आराम से. इसकी जो फ्रेगनेंस है ना, एकदम एप्पल साइडर विनेगर की, जैसे अगर आपने फ्रेगनेंस अगर आपको पता हो एप्पल साइडर विनेगर की, एकदम वैसी है. तो मुझे इतनी पसंद नहीं है उसकी फ्रेगनेंस एप्पल साइडर विनेगर की, तो अगर आपको पसंद है तो आपके लिए थोड़ा बेयर करना आसान हो जाएगा, बट मुझे बहुत ही बकवास लगती है. अच्छा, अब ये थोड़ी देर में देखना कि ना चिपकने लग जाता है. और इसका जो टेक्स्चर है ना, एग्जैक्टली फोमी भी नहीं है, थोड़ा सा जैसे लेस लेस वाला टेक्स्चर होता है ना, वैसा है इसका टेक्स्चर. वैसे ऑल इन ऑल इसका रिजल्ट अच्छा है, ऐसा नहीं है कि वो चिपक के ही रह जाता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि मेरी स्किन पे ना थोड़ा सा चिपक रहा है. देखो, पता नहीं, आई डोंट नो आप लोगों को कैसा लग रहा होगा, बट मुझे ऐसा लगता है ये थोड़ा सा ना चिपक जाता है मेरी स्किन पे. तो इसीलिए मुझे इतना कोई खास पसंद नहीं है. अगर आप मेरे से पर्सनली पूछो कि तेरे को मामाअर्थ का टी ट्री फेस वॉश और इसमें से किसको चूज़ करना हो फॉर एक्ने प्रोन स्किन, फॉर पिंपल प्रोन स्किन, तो मैं टी ट्री वाले को चूज़ करूँगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है उसका रिजल्ट ज़्यादा अच्छा है, वो थोड़ा ज़्यादा माइल्ड है और स्किन को ड्राई आउट नहीं करता. वैसे इसने भी मेरी स्किन को ड्राई आउट नहीं किया, बट मुझे ऐसा लगता है लॉन्ग टर्म यूज़ के बाद ये स्किन को ड्राई करना स्टार्ट कर देगा. तो बट उसको मैं दिन में दो बार यूज़ कर लूँ, तीन बार यूज़ कर लूँ, मेरी स्किन को ड्राई नहीं करता. तो चलो जी, मैं फटाफट से इसको वॉश करके आती हूँ. आपको मैंने इसका टेक्स्चर दिखाई दिया है, ये ना थोड़ा सा चिपकता है, देखो थोड़ा सा चिपकता है, बट आई डोंट नो. चलो मैं फेस को वॉश करके आती हूँ, फिर आगे की बात करते हैं. ठीक है, हाँ जी, तो मैं फेस को वॉश करके आई हूँ. सो यू कैन सी एकदम क्लीन हो गया है, क्लियर हो गया है. मेरा फेस कोई ड्राई स्ट्रेची वैसा नहीं फील होता मुझे, बट मुझे ऐसा लगता है बिकॉज इसमें दोनों इंग्रेडिएंट्स एप्पल साइडर विनेगर और सैलिसिलिक एसिड, दोनों ही इंग्रेडिएंट ऐसे हैं जो थोड़ा सा आपकी स्किन को ड्राई कर देते हैं. वैसे कोई इरिटेशन नहीं होती है. कुछ लोगों को एप्पल साइडर विनेगर से एलर्जी हो सकती है, तो आप एक बार पैच टेस्ट ज़रूर करना. मैं तो ये बोलूँगी अगर आपको बिल्कुल ही ये दोनों इंग्रेडिएंट्स सूट करते हैं आपकी स्किन पे, तो डेफिनेटली आप इसे ट्राई करो. बट मुझे कोई ये फेस वॉश इतना पसंद नहीं आया. अगर मैं रीस्टॉक करूँगी तो अपना मामाअर्थ का टी ट्री वाला फेस वॉश ही रीस्टॉक करूँगी. इसको मैं बार बार नहीं यूज़ करूँगी, क्योंकि एक तो इससे डबल क्लेंजिंग इतनी अच्छी नहीं होती है एंड दूसरा मुझे ऐसा लगता है ये दोनों इंग्रेडिएंट्स ना स्किन को ड्राई कर सकते हैं. तो इसीलिए मैं ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए इसको नहीं यूज़ करूँगी. अब मैंने ख़रीद लिया है तो मैं इसको फिनिश कर लूँगी. ऑल इन ऑल अच्छा प्रोडक्ट है, आई वुड रेट इट लाइक 8/10. बट एक तो मुझे इसकी फ्रेगनेंस भी नहीं पसंद है, मुझे एप्पल साइडर विनेगर की फ्रेगनेंस वैसे ही नहीं पसंद है. ऑल इन ऑल अच्छा प्रोडक्ट है, इफ़ यू आर लाइक एक्ने प्रोन स्किन आप ट्राई कर सकते हो, बट मैं इसे रीस्टॉक नहीं करूँगी फॉर द टाइमिंग. ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो टुडे. आई होप आपको पसंद आई होगी एंड इन केस यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू गाइज, बाय.